जी हाँ, इस तरह से आप भी घर बैठे कर सकते हैं अपनी समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए समग्र आईडी और आधार कार्ड, और मेरे चैनल को करके जाना है सब्सक्राइब मिलो म्यूजिक के उस पार। चाहे हो कोई सरकारी योजना या फिर आई हो कोई नई वैकेंसी, मिलेंगे सभी के अपडेट्स आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को और बेल आइकन दबाओ। तो समग्र आईडी को आधार से लिंक करने के लिए गूगल पर जाना है और वहां जाके लिखना है समग्र, और समग्र लिख के ये जो पहली वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का एक पोर्टल खुलकर आएगा जिसमें आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा ये रेड कलर का, आपको इसे कट करना है। और आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एरो पर, यहाँ आधार ई KYC लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रीन पर जो 9 अंकों की होती है, जिस सदस्य की आपको KYC करनी है उसके सदस्य की 9 अंकों की आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। जब आप ये आईडी अपने स्क्रीन पर दिखाए बॉक्स में डालेंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा आएगा कि मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। हो सकता है शायद ये ना भी लिखा है, किसी किसी का रजिस्टर होता है, पर आपको यहाँ पे केवल वही नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। मैंने वो नंबर डाल दिया है और जनरेट OTP पर क्लिक कर दिया है। OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये दिखाएगा कि OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल। आपको ये क्लोज करना है और अपना आया हुआ OTP इस स्क्रीन पर दिखाए गए बॉक्स में दर्ज करना है। बहुत ध्यान से दर्ज करिएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपके पास में मध्य प्रदेश में भूमि है, इस पर आपको येस और नो में क्लिक करना है। ऑब्वियसली नो ही करेंगे भले ही आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपको यहाँ नो पर ही क्लिक करना है। नो करने के बाद में आपको इसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर समग्र आईडी और फैमिली आईडी की डिटेल्स मैच होनी चाहिए, आपको वो करना है। इसके बाद में आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं, या तो OTP से कर सकते हैं या बायोमेट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन आपका आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल से, तो आप OTP से भी कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए इस पॉपअप को। उसके बाद में यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आया होगा, उसे आपको वापस से यहाँ दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में आपके सामने स्क्रीन पर आपकी सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस लिखा होगा। आपको ये सारी चीज़ें आधार कार्ड से मिला लेनी है और यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है पहले वाले। अगर आप हिंदी में नाम बदलना चाहते हैं दोस्तों तो दूसरे चेक बॉक्स पर क्लिक करके हिंदी में भी अपना नाम बदल सकते हैं, पर मेरे केस में ये सही है तो मैं इसे छोड़ के सेंड रिक्वेस्ट टू GPP कर देता हूँ क्लिक। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो समग्र आईडी है दोस्तों वो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट आईडी उसकी जनरेट हो गई है, और इसका जो अपडेट है वो मेरे वार्ड में चला गया है। अगर आप जल्दी पास कराना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी वार्ड में जाके भी इसे पास करा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जाते जाते आपसे यही मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी जानकारी फ्री मिलती है।